हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभदीप सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये इसकी 10th वीडियो है। हम डेली डे वाइज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपका 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स में आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा ही मिल जाए, तो मुझे आपको सेंड ना करना पड़े। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज Examine the conditions responsible for the growth of Naxalite movement in India. ठीक है, जो Naxalite movement थी, पहले तो आपको पता होना चाहिए Naxalite people कौन होते हैं। Naxalite people वो people होते हैं जिनकी ideology different होती है from the ruling government, और जिनके साथ कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं अनजस्टिस हुआ हो, which are not satisfied with the working of the government, तो वो government के अंगेस्ट हो जाते हैं। जैसे इंडिया में हैं मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले काफ़ी हैं, काफ़ी स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, MP, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। उनके क्या रीज़न है और क्या सजेशंस हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो इंडिया के सिटीजन ही कहलाते हैं। ठीक है, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के सिटीजन हैं, जो इंडिया की गवर्नमेंट के अंगेंस्ट हैं, इंडियन सिस्टम के अंगेंस्ट हैं। उनको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम डील करना है, उसके लिए क्या सजेशन है। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो पहला क्या है, क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, बिकॉज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक अनजस्टिस, बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अनजस्टिस प्रेवलिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, दैट्स वाई वो जो लोग हैं उनके साथ वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री की बात करें, ठीक है, उनके अंदर जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल अनजस्टिस इनजस्टिस होता है उसके कारण ये इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। ठीक है, फोर्स लेबर के कारण, कई जगह पे फोर्स लेबर करवाई जाती है। ठीक है, स्पेशली टू द विलेजर्स के लिए, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए फोर्स लेबर करवाई जाती है उनसे, तो जिसके कारण आगे जाके ये नेक्सलाइट मूवमेंट का रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द आउटसाइडर। अब मीनिंग ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन, स्टूडेंट्स इस तरह के मीनिंग को ना कॉपी पे लिख लिया करो, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे मीनिंग क्वेश्चन में आ जाते हैं, उस टाइम बच्चों को पेपर में इसका मीनिंग नहीं पता लगता। ठीक है, अगर मैं मीनिंग ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन की बात करूं, इसका मीनिंग होता है द एक्शन बाय द स्टेट और अथॉरिटी ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, एक्सप्रोप्रिएशन का मीनिंग है कि जो मान लीजिए स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और अथॉरिटी कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को ले लेती है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहां पे करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जैसे फॉरेस्ट को काटा जाता है,
कई लोगों को बिकॉज ऑफ द मेकिंग ऑफ डैम्स उनकी जगह से निकाल के कहीं और भेज दिया जाता है, ठीक है। एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द आउटसाइडर, दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर द बर्थ ऑफ दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। एक्सप्लोटेशन बाय द मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स के द्वारा जो एक्सप्लोटेशन की जाती है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ नेक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली होगा, किसी के साथ कोई इनजस्टिस होगा तो वो उस सिस्टम के अंगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो सिस्टम के अंगेंस्ट हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर मैं सजेशन की बात करूं, ठीक है, सजेशन टू क्रश नेक्सलाइट मूवमेंट, क्रश का मीनिंग होगा कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस मीन्स फोर्सफुली ब्रेक, ठीक है। कैसे ये किया जाए ताकि नेक्सलाइट मूवमेंट है जो कंप्रेस की जा सके उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर कोई सिटीजन है यहाँ का, अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसको अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, वो लव अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करे, वो ही किसी कंट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कुछ लोग उनसे हैप्पी नहीं है, विच आर नॉट हैप्पी विद दैट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑलवेज क्रिटिसाइज दैट, ऑलवेज डू समथिंग रॉन्ग फॉर द कंट्री, ठीक है ना, तो कंट्री का काफ़ी पैसा उनके ऊपर ही लग जाता है, वहाँ से सेफ्टी में लग जाता है, जो सेफ्टी उनको दूसरी कंट्री से करनी चाहिए वो सेफ्टी उनको अपनी कंट्री के अंदर ही करनी पड़ती है पीपल की, सिटीजन्स की, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट वन, गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अभी तक ये नेक्स्ट लाइन मूवमेंट खत्म क्यों नहीं हुई, ठीक है। देन वो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कुछ सजेशन दीजिए हमें कि हाउ वी कैन क्रश द नेक्स्ट लाइट मूवमेंट, हाउ वी कैन ओवरकम, गिव यू सजेशन, ठीक है। तो आपने लिखना है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द पीपल ऑफ द बैकवर्ड एरिया एंड आदिवासीज, क्योंकि मैक्सिमम इन जो लोग ट्राइबल पीपल होते हैं उनके ही वही मैक्सिमम होते हैं नेक्स्ट लाइट मूवमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उनको बेसिक राइट्स देने चाहिए, ठीक है, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, विच इज आउटसाइड द सिटीज और समथिंग, ठीक है, और स्पेशली टू द आदिवासी आदिवासी पीपल, ठीक है। फोर्स लेबर एंड एक्सप्लोटेशन बाय द मनी लैंडर्स मस्ट बी स्टॉप, गवर्नमेंट को ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना देने चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर फोर्स लेबर करवाता है या एक्सप्लोटेशन की जाती है जो मनी लैंडर्स के थ्रू, उसको पूरा खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सो दैट एवरी पर्सन शुड बी हैप्पी फ्रॉम द सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड, द गवर्नमेंट शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वाइल डीलिंग विद द नेक्सलाइट्स, जो नॉर्म्स वो दूसरे जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए यूज करता है, सेम विद द नेक्सलाइट मूवमेंट, नेक्सलाइट पीपल के साथ। डोंट फील दैट के ये टोटली हमारे एनिमीज हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स हैं हमारे उसके अंदर रह के ही डील किया करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई भी वहाँ पे गलत होता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर कंट्री, ठीक है। तो थ्री पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन जो बैकवर्ड एरिया आदिवासी पीपल्स हैं उनको उनके बेसिक राइट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है, विच आर द पार्ट ऑफ दिस नेक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड, फोर्स लेबर और एक्सप्लोटेशन ऑफ बाय द मनी लैंडर्स इसको प्रॉपरली 100% स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसे रूल्स ऐसे लॉ बनाए बनाने चाहिए। थर्ड, गवर्नमेंट शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स रूल एंड रेगुलेशन वाइल डीलिंग विद द नेक्स्ट राइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस भी कम है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक है। इनको आप, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ये नहीं है कि आपने इसको मतलब कि इतना ही लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लेबर लिखा है तो देन यू मेंशन ओनली फोर्स लेबर, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्डिंग,
ठीक है, मैंने इसको काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको लर्निंग इजीली हो जाए। वैसे भी अगर आप एक आधी बार वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है तो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन, ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर इन देयर साइड। अगर कुछ भी आपको लगता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में पार्ट में उसको लिखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो साथ में बेल आइकन का एक साइन आता है, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियोस की। थैंक यू।